फाइनली मेरे हाथ में अब है मीटियोर डायनामाइट और इसको मैं इस वाले गड्ढे में फोड़ूंगा। देखते हैं, नाम से लग रहा है कुछ मीटियोर वीटियोर गिरने वाला, कुछ बड़ा तबाही तार होने वाला है। ओके, ये तो फूट गया बट अपना मीटियोर आया। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब। सो हे व्हाट्सअप गेमर गैंग, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस, दरअसल मैं ना बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड से, सर्वाइव कर कर के और फालतू के टीएनटी इधर उधर फोड़ फोड़ के मेरा पूरा दिमाग पक चुका है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुरापाती आइडिया लेके आई हूँ, एकदम ही ज़्यादा, मतलब हम अपने पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की ऐसी की तैसी करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे पास है अलग अलग टाइप्स के बहुत ही सारे डायनामाइट्स। यस, हम TNTs का यूज़ नहीं करने वाले आज, आज हम यूज़ करेंगे डायनामाइट्स का, और हर एक डायनामाइट बहुत ही नेक्स्ट लेवल की तबाही मचाने वाला है। अब देखना ये है कि ये सारी तबाही मेरा PC झेल पाता है या नहीं। तो एक लाइक ज़रूर से कर देना मेरे PC के लिए। ओके, खतरनाक वाला इंट्रो ख़त्म। चलो भैया, ये सारी आग बुझाओ बुझाओ जल्दी जल्दी, और जल्दी से सुबह करते हैं अपनी निंजा टेक्निक का यूज़ करके। तो दिन की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले डायनामाइट से, जिसका नाम ही है डायनामाइट लॉल। इसको मैं इनके सामने फोड़ूंगा। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इनको तो, क्या बात है, नकली डायनामाइट क्या यार। ओके, तो ये डायनामाइट हमारा कुछ ज़्यादा करता नहीं है, बस एक ही चंक फोड़ पाता है, एक मतलब ब्लॉक टाइप से कुछ। मज़ा नहीं आया, फालतू है ये, कोई बात नहीं। दूसरा वाला हम ट्राई करते हैं जिसका नाम है डायनामाइट इंटू फाइव। ओके, तो इसने थोड़ा बड़ा धमाका किया पिछले वाले से, नाइस, ये सही है। अब बारी है डायनामाइट इंटू 20 की। मेरे को लग रहा है ये पिछले वाले से बहुत ज़्यादा धमाका करने वाला है, लेट्स गो। हैं, ये तो फुसकी माल निकला भाई। हेलो, डायनामाइट इंटू 20, तेरे से अच्छा तो वो डायनामाइट इंटू 5 वाला फूट जा रहा था, 5 वाला फूटता था, क्या बात है भाई, नकली माल चिपका दिया क्या मेरे को? दूर फेंक के देखता हूँ। ये लो, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर भी भाई। अरे तुम डायनामाइट इंटू 20 हो, कुछ तो करो। ओके, आई गेस ये ना नीचे जाने के बाद ही कुछ ज़्यादा फटता है अच्छे से। अब डायनामाइट इंटू 100 यूज़ करते हैं हम। ओ भाई साहब, ये हुई ना कुछ तबाही वाली बात, लेट्स गो, मज़ा आ गया। एक बार और, तर ये देखो अंदर ही अंदर इसने पूरी तरह चारों तरफ से फोड़ रखा है। ये ना मतलब अंडरग्राउंड को ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ओके, मेरे को पता चल गया। तो गाइस, अब बारी है डायनामाइट इंटू 500 की, लेट्स गो भाई। डायनामाइट इंटू 100 का तुमने देख ही लिया, अब देखते हैं डायनामाइट इंटू 500 कौन सी तबाही मचाने वाला है। ओके, तो मैं ना इसको यहाँ पे फोड़ूंगा, लेट्स गो। ओ भाई साहब, ये है ना कुछ तगड़ी सी तबाही यार, क्या ये बेडरॉक को तोड़ सकता है भाई, मज़ा आ जाएगा लिटरली। ओके, तो इसी में मैं और नीचे तक इसको एक दो बार डाल के देखता हूँ, देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है हमको। लिटरली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये। फाइनली बेडरॉक तक आ तो गया, बट ये बेडरॉक को नहीं तोड़ पाया। लेकिन जो भी है, ये भाई नेक्स्ट लेवल तबाही है, इसने कतई दिल खुश कर दिया यार। नेक्स्ट है हमारे फायर डायनामाइट की बारी। इसके नाम से लग रहा है जैसे ये आग वाग निकालने वाला, तो इसको हम ना एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं, सीधा फ्राई करके हमको खाना मिलेगा। ओके, जैसा मैंने कहा, ये आग निकालेगा और आग ही निकाल रहा है ये, लेट्स गो अगेन। कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन ठीक ही है ये एक किस्म से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट TNT की तरफ। गाइस, कुछ मज़ा नहीं आ रहा ना यार, लेट्स गो। पहले एक विलेज फाइंड करते हैं और फिर हम विलेज में तबाही मचाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक विलेज मिला, और वो भी छोटा सा विलेज है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चलेगा हमारा इस विलेज से। एक आयरन गोलम भी है यहाँ पे। हेलो गोलम भैया, आपका विलेज तबाह होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा थोड़ी ना लगेगा यार उसको, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। लेट्स गो, हमारा नेक्स्ट डायनामाइट कौन सा है? न्यूक्लियर डायनामाइट। ये क्या हुआ, इसने ज़्यादा बड़ा गड्ढा तो नहीं किया, लेकिन या ये कुछ लिक्विड टाइप से छोड़ दिया, और इससे मुझे कुछ तो हुआ है यहाँ पे साइड में। ओके, तो ये किसी प्रकार का रिएक्शन दे रहा है जो कि खतरनाक ही होगा आई गेस, मैं तो क्रिएटिव में तो मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है भाई, जो भी है ये न्यूक्लियर डायनामाइट। ओके, लेट्स गो। तो अब हमारा नेक्स्ट डायनामाइट हमारे पास है मीटियोर डायनामाइट। भाई लग रहा है इसके नाम से जैसे मीटियोर वीटियोर आएगा, कुछ तो खतरनाक तबाही मचाने वाला है ये, तो इसको मैं यहीं पर फोड़ूंगा। डायनामाइट फूट गया, हेयर इज मीटियोर। भाई ओ भाई साहब,
इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यस ठीक ही है एक किस्म से हमारा वो डायनामाइट इनटू 500 के हिसाब से। वेल इसको एक बार अगेन साइड में ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि भाई इसका इम्पैक्ट कितना तगड़ा होने वाला है। एक और बार ये हमारा मीटियोर आया और ये बूम, सही है भाई कुछ भी कहो ठीक ही है, मतलब बेस्ट है ये भी। और यहाँ पर एक माइन शाफ्ट भी है, लेट्स गो डायमंड ढूंढने चलूँ क्या। वैसे ये दोनों गड्ढे ना दो आँख की तरह दिख रहे हैं, एक मुंह भी बना देता हूँ इसका, क्या बोलते हो। यहाँ पर हम बनाएंगे इसके लिए एक मुंह। ओके तो अगेन यहाँ पर हम डालते हैं डायनामाइट, ये आया हमारा मीटियोर, सीधा सिर के ऊपर गिरेगा मेरे। ओके भाई ये कुछ एलियन टाइप सा लग रहा है, यहाँ पे दो आके ये बड़ा सा मुंह, उसमें ये मुंह थोड़ा सा जमा नहीं, उसमें नदी आगे घुस गई बीच में। एक और सुहाना दिन और हमारे पास है यहाँ पे एंडर डायनामाइट। ये क्या हुआ है, हेलो इसने मेरे को दूर फेंका क्या अभी अभी। लेट्स गो अगेन ट्राई करूँ जरा एक बार। ओह भाई विलेजर को देखो कितनी हम ठीक है, मैंने देख मैं कुछ नहीं किया भाई, मैं हुई नहीं यहाँ पे, मैं हुई नहीं। चलो गोलम के ऊपर ट्राई करते हैं ये चीज, लेट्स गो। ओ भाई साहब गोलम ने कते लॉक जंप मार दी यहाँ पे ये से, बट गोलम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा भाई। एक बार फिर से भाई कितना सही लग रहा है यार ये, एकदम ऐसा लग रहा है जिससे हाई जंप मार रहा है गोलम अपना। देखो एक बार अगेन, वो भाई साहब तीन दिन बाद इतने ऊपर गया है, बट इसको डैमेज नाम का कुछ नहीं हुआ, फर्क तक नहीं पड़ा यहाँ पे। वो यहाँ पर साइड में एक रवीन भी है। ओके तो हमारे पास अगेन आ चुके हैं बैक न्यू डायनामाइट्स, चलते हैं वापस विलेज में और ट्राई करते हैं इन डायनामाइट्स को। एक मिनट, ये एरो है ना, एरो डायनामाइट है हमारे पास, तो इससे जो है ना मैं भाई एनिमल्स के बगल में ट्राई करूँगा, यहाँ पर देखते हैं इससे क्या होता है। पता था एज इट इज़ और एरोज ही निकलेंगी, बट कुछ ज़्यादा ही निकली है यहाँ पे। एक दो बार ट्राई करता हूँ और तो भाई साहब ये सही लग रही है कुछ भी को, एरोज की बारिश हो रही है यहाँ पे। लेट्स गो, कितने सारे एरोज पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो ज़रा एक बार मेरे पीछे का नज़ारा देखो कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है एरोज यहाँ पे उगी पड़ी है यहाँ पे, मतलब एरोज की खेती हो रही है, ये सही है भाई। चलो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायनामाइट की तरफ। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों बार बार TNT निकलने वाला, लाइटिंग डायनामाइट। ओके तो इसको तो भाई मैं विलेज पे ट्राई करूँगा, क्योंकि खतरनाक चीज़ है ना, विलेज पे ट्राई कर दो। एरोज देखो कितनी दूर दूर तक आए, पूरे विलेज तक फैली हुई है एरोज, ओ भाई साहब। ओके तो अब ये लाइटिंग डायनामाइट मैं इस घर के ऊपर ट्राई करता हूँ। भाई क्या खतरनाक लगा ये, एक बार और ट्राई करते हैं, इस घर को पूरा ना जला ही देते हैं। ये हुई ना भाई कुछ खतरनाक चीज। एक मिनट, एक आइडिया है मेरे को, दो तीन फेंक देता हूँ यहाँ पे पहले। ओके अब देखो, ओ भाई साहब ये हुआ ना अपना सस्ता VFX विद डायनामाइट। लेट्स गो, अपना नेक्स्ट डायनामाइट कौन सा है, अपना नेक्स्ट डायनामाइट डिगिंग डायनामाइट। ओके यहीं पर डाल के देखते हैं क्या ये क्या है ये भाई, हेलो ये डिग किया आपने। ओके तो ये अंदर तो किसने खोद दिया भाई नीचे तक, वो भी सिर्फ एक ब्लॉक जितनी जगह। ये देखो ये स्ट्रेट डिगिंग करेगा, वो भी सिर्फ एक ब्लॉक की जितना जगह। भाई वो तो मैं हाथ से भी कर लूँ हैं, क्या ज़रूरत डायनामाइट की फिर, रद्दी डायनामाइट। ओके बस इतना डिग किया इसने, ठीक है भाई ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, आपको हम रेटिंग ही नहीं देंगे, आप रेटिंग वाले लिस्ट से ही बाहर हो। चलो लेट्स गो, हमारा नेक्स्ट डायनामाइट है एनिमल डायनामाइट, नाम से पता चल रहा है एनिमल्स निकालेगा। अरे ये एनिमल्स होते हैं क्या, मॉब्स हैं भाई इसमें, ये एंडर मैन है यहाँ पे, एंडर ड्रैगन क्या क्या निकाल रहा है, मकड़ियाँ वकड़ियाँ, इसमें भाई एनिमल्स तो निकल ही नहीं रहे। लो स्लाइम्स भी निकल गए भाई, ठीक है नेदर के सारे मॉब्स हम यहाँ पे स्पॉन कर दो। एक आइडिया आया, दो तीन फेंकता हूँ यहाँ पे और फिर देखना। लेट्स गो, अब बारी है अपने लाइटनिंग डायनामाइट की। भाई 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 ये लग रहा कुछ तगड़ा सा, सब खत्म। और ये देखो ये जो विलेजर्स वगैरह स्पॉन हुए थे ये यहाँ पे विचेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट डायनामाइट होने वाला है ओशन डायनामाइट, लेट्स गो। और इसको ना मैं इस पहाड़ पे डालूंगा, क्योंकि इससे लग रहा है ओशन आने वाला है पूरा का पूरा, एज इट इज जैसा मैंने बोला था ओशन डायनामाइट, मतलब पूरा का पूरा समुद्र निकालेगा ये।
और इस पहाड़ पे डाले तो कुछ नेक्स्ट लेवल व्यू देखने को मिलेगा। एज इट इज भाई क्या लग रहा है, पूरा का पूरा पहाड़ ऐसे पानी से भरा हुआ। नाइस, नेक्स्ट डायनामाइट कौन सा होने वाला है अपना? हेल फायर डायनामाइट। ओके, तो नाम बहुत खतरनाक लग रहा है, तो इसको जो है ना मैं विलेज पे जाके ट्राई करूंगा। भाई आधा विलेज तो मैं वैसे ही खा चुका हूँ, पूरा का पूरा विलेज था ये, वैसे ही आता था ये शुरू से। ओके, तो हेल फायर को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और देखते इससे क्या होता है। इस विलेजर से पहले परमिशन ले लेता हूँ। भाई यहाँ पे फोड़ दूँ क्या? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। इनसे पूछता हूँ दूसरे वाले से, भग गया ये तो। भाई यहाँ पे फोड़ दूँ? ये तो हाँ बोल रहा है। भाई फोड़ ही देते हैं भाई। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर द परमिशन। ओके लेट्स गो हेल फायर डायनामाइट। अरे इसने तो एक घास्ट। ओके, तो हेल फायर डायनामाइट मतलब यहाँ पर जितनी भी जगह इसने कवर की वो पूरी की पूरी जगह नेदर की बन गई है। ओके, और यहाँ पर एक घास्ट भी स्पॉन हो चुका है। रुको, एक और आइडिया आया मेरे को। अगर मैं इसको इन गड्ढों के बीच में स्पॉन करूँ तो ये आई बॉल्स जैसी लगेंगी। ओके, अब इसके लिए एक और सहेली भी यहाँ पे हम डाल देते हैं दूसरे वाले में। लेट्स गो, हमारा नेक्स्ट डायनामाइट है लावा ओशन डायनामाइट। तो पहले वाले से ओशन निकला था और इस वाले से पक्का लावा निकलने वाला है, तो इस वाले को मैं इस वाले पहाड़ पर डालूंगा। यस, एज इट इज जैसे मैंने गेस किया था कि यह इससे लावा निकलने वाला है, और लावा निकला भी। और ये काफ़ी सही लग रहा है, एक साइड वाटर ओशन एक साइड लावा ओशन। देखो विलेजेस, मैंने तुम सभी के लिए यहाँ पे पूरा समुद्र बना दिया। वैसे विलेज तो मैं खा चुका हूँ, क्या ही देखेंगे। नेक्स्ट टीएनटी बाउंसिंग, फिर से टीएनटी बोला भाई, डायनामाइट बाउंसिंग डायनामाइट। क्या उछल रहा है ये इधर से उधर? लॉल फूट भी जा भाई। हेलो, कितना उछलेगा? उछले जा रहा है। हेलो, फूटेगा भी या उछल? ओके फूटा, बट कुछ खास नहीं फूटा ये भाई, क्या मतलब है इसका। और ये केव में जाने के बाद तो ऐसे ही फूट गया। अच्छा, तो ये ओपन एरिया में कुछ ज़्यादा ही जंप कर रहा है, स्प्रिंग लगा हुआ इसके अंदर। भाई देखो कितनी दूर जा रहा है उछलते उछलते। अब फूट भी जा भाई। ओके, मज़ा नहीं आया यार कुछ। लेट्स गो, नेक्स्ट हमारा फ्लोटिंग आइलैंड डायनामाइट, यहीं पर फोड़ते हैं। ये क्या हुआ, शेडो आ गई, उड़ा भी नहीं आइलैंड, ऊपर तो नहीं आया। ओके, तो ये अपना आइलैंड नहीं फ्लोट करने लग जाएगा बल्कि एक और आइलैंड स्पॉट कर देता है जो कि हवा में है। नाइस, क्या मस्त सनसेट का व्यू लग रहा है यहाँ से गाइस, एक फोटो तो बनता है ना। ओके लेट्स गो, अब हमारे पास और बचे सिर्फ और सिर्फ 4 डायनामाइट, और इन सभी को मैं विलेज पे ही ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि पूरे के पूरे विलेज को मैं उड़ाना चाहता हूँ। यस, तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट डायनामाइट है, क्या नाम है इस डायनामाइट का, मैं तो भूल भी गया। यस, एनोइंग डायनामाइट, ठीक है। हैज मेड द अचीव एडवांसमेंट बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, कार्टून की तरह लग रहा है ये लिटरली। थोबड़ा देखो और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाया जा रहा है। अबे मर जा भाई, कान पका दिया तूने, सच में अनोइंग है तू। एक और स्पॉन करके देखता हूँ, दो दो बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। लो आपस में लड़ो और मर जाओ भाई, खुद मर जाओ आपस में लड़ लुड़ के। ये तो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं ये, इससे दिमाग खराब मेरा अलग हो रहा है। लेट्स गो, इनको ये है ये वूल डायनामाइट। ये कौन से कलर का वूल निकाल रहा है भाई, इनके ऊपर फेंक देता हूँ। भाई ये कैसा साउंड कर रहे हैं यार, न्यूक्लियर मार तो जो भी डायनामाइट मिल रहा है मेरे को। ये क्या शैटर्ड ऑफ डायनामाइट, जो भी था न्यूक्लियर वेस्ट वाले को मार देता हूँ। मरो ना बे, क्या कर रहे हो। डायनामाइट 2500 दो मेरे को, जल्दी चाहिए मेरे को डायनामाइट 2500, और मारो उनके मुंह पे जल्दी। अब भद्दा साउंड, मरे ही मरे। हेलो, चलो ठीक है भाई, बाय, ख़त्म। और गाइस, इतनी तबाही के साथ फाइनली हमारे सारे के सारे डायनामाइट्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, हमने सारे चेक कर लिए। तो आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना माइनक्राफ्ट के वीडियोस तुमको और चाहिए या नहीं। अगर चाहिए हो तो बताना, और भी हम डायनामाइट की जगह टीएनटी से तबाही मचाने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी बहुत और तबाही मचा लूँ, फिर चलता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।